भोपाल में रविवार दोपहर में तेज बारिश हुई है। शनिवार रात आफत की बारिश हुई। करीब एक घंटे तक की तेज बारिश ने भोपाल को पानी पानी कर दिया था। 24 घंटों के दौरान भोपाल में अब तक की सबसे ज्यादा 5.25 इंच पानी गिरा है। भोपाल में यहां इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। कई इलाकों में बिजली भी गिरी है। गांधीनगर इलाके में निचली बस्ती में पानी भरने से एक परिवार को फायर टीम ने रेस्क्यू किया। यही हालात आधे शहर के रहे। शाहजहानाबाद से लेकर करोद, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, गांधीनगर समेत अधिकांश निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। लोगों की रात दहशत और मुसीबत भरी रही। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग झुलस गए हैं। मौसम विभाग ने शाम तक नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, साजापुर, देवास, उज्जैन, मुरैना, श्योपुर कला में भारी से भारी और भिंड, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, मांडू, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और सीहोर में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में रात करीब 1 बजे गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। थोड़ी देर में भारी बारिश होने लगी। सड़कें लबालब हो गई। जगह जगह जल भराव हो गया था। गांधीनगर क्षेत्र के प्रताप वार्ड में मकान में फंसे परिवार को फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। नाले किनारे बने मकान में कॉलोनी की बाउंड्री वाल के कारण पानी भर गया था। मकान के आसपास 5 फीट तक पानी भरा होने के कारण घर में 4 से 5 लोग फंस गए थे। 2 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया है।